Hello students, in the previous lecture we have seen the types of utility. Today we will start with the new topic, that is concept of utility. If you remember, in the previous topic we have seen different types of utility, in which we have seen the form utility, then place utility, service utility, knowledge utility, then possession utility and time utility. Now let's see the concept in the very broad sense, that is the concept of utility. So following are the two main concepts of utility. Among that, the first one is the total utility. अब ये concept को शुरू करने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि concepts को हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि utility concept itself is a very broad in nature, और utility को आगे study करने के लिए इसके कुछ additional concepts हमने पढ़ने हैं. ओके, तो जिसमें पहला है टोटल यूटिलिटी, या जिसे कैपिटल टी और यू से भी इंडिकेट किया जाता है. अब टोटल मतलब क्या होता है? सो एग्रीगेट. ओके, सो एडिशन ऑफ द यूटिलिटी विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम. ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज द टोटल यूटिलिटी. सी, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर from all units of commodity consumed. एक consumer ने जितनी भी commodities consume की है, उससे जितनी भी उसको utility मिली है, उसकी collectively total को क्या बोला गया है? Total utility बोला गया है. It is an aggregate of utility. अब ये क्या होता है? तो ये utility का क्या है? Aggregate है, addition है. So from all the successive units of a commodity consumed. Successive मतलब additional या next. जितने भी मतलब कमोडिटीज़ को कंज्यूम किया गया है, और उनको कंज्यूम करते करते जो भी यूटिलिटी मतलब को ग्रैब किया गया है, उसका एडिशन या एग्रीगेटली उसको टोटल यूटिलिटी बोला गया. जैसे सपोज़ आपको, आप धूप में से घर पे आए हो और आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है. सो इफ़ वी कंसिडर योर थर्स्ट, ओके, सो इफ़ वी कंसिडर योर थर्स्ट, ओके, एंड योर यूटिलिटी, ओके, अगर आपको प्यास, अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको पानी पीना पड़ेगा. सो योर टोटल थर्स्ट कैन बी कॉल्ड एज योर रिक्वायरमेंट ऑफ यूटिलिटी. और आप जितने भी ग्लास पानी आप कंज्यूम करोगे, उससे आपकी जो भी थर्स्ट है जो कंप्लीट हो जाएंगी. ओके, और एट द एंड सपोज आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, सेकेंड किया और थर्ड किया, और आपकी थर्स्ट क्या हो गई? सेटिस्फाइड हो गई. सो इन तीनों ग्लास से मिलने वाली जो भी आपको यूटिलिटी है, उसका जो हम एडिशन करेंगे, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी. इन सिंपल फॉर्म वी कैन से दैट, ओके, लाइक सपोज यूर थर्स्ट इज ऑफ 100%. ओके, आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, आपका 100 में से सपोज 40% आपको यूटिलिटी मिली. सेकंड ग्लास कंज्यूम किया, ओके, पानी का, और आपको और 40% आपकी यूटिलिटी सेटिस्फाइड हुई. मतलब टोटल हो गया 40 + 40 = 80. अभी बचा है 20, और आपने थर्ड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, and now you have got all your, or you have satisfied all your thirst. Okay, so that is the basic concept of total utility. अब इसके बाद में आता है second concept, that is marginal utility. अब marginal utility को capital M और U से क्या है? Indicate किया गया है. Now what is marginal? Marginal मतलब addition. Okay, जैसे total utility में हमने सारे utility को combine किया था, total किया था, but यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हर वो additional चीज़ जो हम consume करेंगे, उससे हमें जो भी additional benefit मिल रहा है, उसको separately, ओके, कैलकुलेट करना ही क्या है, तो कम्स अंडर द स्टडी एस्पेक्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. सी, मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम. किसी भी कमोडिटी का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो भी एडिशनल बेनिफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी. सो इट इज़ डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम. In other words, it is the addition made by the last unit of a commodity. हम जो भी last unit या जो भी last commodity को हम consume कर रहे हैं, उससे हमें जो भी additional benefit मिला है, उसको ही marginal utility बोला गया है. ओके, इसको simple form में हम मतलब अगर समझना है तो इसको हम ये कर सकते हैं कि marginal utility basically क्या है. जैसे मैंने एक glass of water consume किया था, previous example ही देखेंगे, और फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जब मैंने कंज्यूम किया था तो मुझे सपोज 20 यूटिल्स मिले थे. ओके, सपोज माय थर्स्ट इज ऑफ द 50 यूटिल्स. ओके, फिर मैंने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम किया, ओके, उससे भी मुझे 20 यूटिल्स मिले. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ओके,
पहला जो 20 यूटिल्स था और दूसरा 20 यूटिल्स, इसका एडिशन बन गया है 40, मतलब टोटल यूटिलिटी मेरी हो गई है 40, बट पहले ग्लास से मुझे कितना मिला है 20 और सेकंड ग्लास से भी 20, ओके। सो ये जो सेपरेटली जिसका हम कैलकुलेशन करेंगे 20 हो गया, 20 हो गया, ओके। और थर्ड ग्लास से जो 10 यूटिल्स मिलेंगे, सो 20, 10 और 10, ये मेरा क्या हो गया, मार्जिन यूटिलिटी। और इन्हीं मार्जिन यूटिलिटी की अगर हम टोटल करते हैं तो वी गेट द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। सो इन अदर वर्ड्स, इट इज एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे एक पोर्शन दिया गया है, दैट इज यू शुड नो, ओके। अब यू शुड नो के बारे में वही कंसेप्ट जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी, इनको एक्सप्लेन किया गया है। लेट्स सी, ये फॉर्मूलाज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके ऊपर भी हमें मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। लेट्स सी, फॉर्मुलेट और फॉर्मूला एक्सप्लेनिंग the relationship between the total utility and the marginal utility. अब दोनों में का relationship यहाँ भी बताया है, see that is TU equals to summation of MU, okay? MU मतलब क्या है, marginal utility, जितनी भी हमें marginal utility मिल रही है उसका summation मतलब उसका addition से हमें क्या मिलता है, we get the value of the total utility. और उसको ही अलग तरीके से बताया है, that is TU equals to MU1 plus MU2 plus MU3, okay? And till the MU n number of cells. So जितने भी marginal utility हमें मिल रही है उसके हम addition करते हैं, so we get the value of total utility. Now how to calculate the marginal utility? So formula दिया है, MU value n equals to TU total utility value n minus TU n minus 1. मतलब total utility अगर table देखेंगे, जैसे पहले utility से हमें 20 मिला है, फिर 20 ऐड हो गए 40 हो गए, ओके, फिर 10 ऐड हो गए 50 हो गए, तो ये 20 ये मतलब टोटल यूटिलिटी का टेबल है। इसके अंदर हमें क्या करना है, ओके, जो भी TU है टोटल यूटिलिटी है उसमें से उसका प्रीवियस वन को हमें क्या करना है, लेस करना है, जैसे 20, 40, 100, 50, ओके। सो 20 अगर हम नेक्स्ट इसको अगर देख रहे हैं 40, सो 40 में से प्रीवियस 20 को अगर हम लेस करते हैं, सो वी गेट द वैल्यू 20. सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम बोर्ड के ऊपर और प्रिसाइजली स्टडी करेंगे, ठीक है, वंस द क्लासेस विल ओपन। देन वेयर टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टी यू स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे उसके एब्रिविएशन के फुल फॉर्म दिए गए हैं, ओके, टी यू स्टैंड्स फॉर द टोटल यूटिलिटी, एम यू स्टैंड्स फॉर द मार्जिनल यूटिलिटी एंड सो ऑन। नाउ द फॉर्मूला इज वेरी क्लियर, ओके, मतलब टी यू में क्या दिया गया है, सो टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का अपन कैलकुलेट करना है तो टी यू का जो भी शेड्यूल हमें दिया होगा टोटल यूटिलिटी का, उसमें जो प्रेजेंट वन है उसमें से हमने प्रीवियस वन को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। सो दैट इज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने इसके कंसेप्ट देखे, अब इसको ही थोड़ा डीप में हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर।